The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about, अगर आपको किडनी की बीमारी हो जाए, किडनी खराब हो रही है, किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज है किसी कारणवश, शुगर है, बीपी है, डायबिटीज़ है या कोई भी चीज़ है ऐसी की ऑब्वियसली, सो उसके वजह से किडनी ख़राब होती है. सो किडनी के वजह से अगर आपको डाइट चेंज करनी है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो कौन सी डाइट लेंगे, किस प्रकार की डाइट लेंगे, वो हम आपको आज बताएंगे. हेलो, भाई साहब वो सोहन है नीचे, उसको फ़ोन करो यार, अब मैं थोड़ी पीछे पड़ा रहूँगा. सोहन, सोहन नहीं पता, नीचे सोहन है, उसको कॉल करो, वो मशीन ऊपर अरेंज करवाएगा, मैं आके फिर कर दूँगा. ठीक है, ऑलराइट, सॉरी. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किडनी डिजीज में व्हाट इज द डाइट, एंड ऐसी खासकर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोनिक किडनी डिजीज. लेट्स टॉक अबाउट डाइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर किडनी की बीमारी हो जाए तो क्या डाइट लेनी पड़ती है, क्रोनिक किडनी डिजीज, डाइटरी रिकमेंडेशंस उस चीज के लिए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन सी डाइट लेनी है, वो अलग है, वो तो आपको एक जनरलाइज बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हेल्दी किडनी के लिए. मगर खुदा ना खास्ता आपकी किडनी को बीमारी हो जाए, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज CKD हो जाए, आपका GFR कम हो जाए, आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाए, आपका यूरिया बढ़ जाए, आपकी किडनी के अंदर मेडिकल रिनियल डिजीज जैसे अल्ट्रासाउंड में चेंजेस हों, चाहे वो डायबिटीज़ के वजह से, बीपी के वजह से, चोट लगने के वजह से, इन्फेक्शन होने के वजह से, किसी भी कारण के वजह से किडनी डिजीज़ आपको हो जाए, तो उस केस में क्या चेंजेस होते हैं आपके डाइट में. क्योंकि किडनी का काम है आपकी बॉडी से गंदगी निकालना, आपकी बॉडी से यूरिन बना, यूरिन के थ्रू पानी, सॉल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, गंदगी हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो निकालना काफ़ी सारे. सो किडनी अगर ख़राब हो रही है, वो नहीं निकाल पा रही है, तो डाइट में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं. वॉट आर दे, सो दे माइट इंक्लूड मैनी थिंग्स, जैसे कि हो सकता है आपको पानी कम लेना पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली किडनी उतना यूरिन नहीं बन रहा, तो पानी ज़्यादा लोगे तो फिर भूल जाओगे. हो सकता है आपको प्रोटीन कम लेना पड़े, बिकॉज प्रोटीन माइट बी, क्यों नहीं मैं बताता हूँ प्रोटीन का क्या है. सॉल्ट कम लेना पड़े, पोटेशियम कम लेना पड़े, यू माइट हैव टू लिमिट योर अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड आपका वजन कम होगा. यू माइट बी लूजिंग वेट बिकॉज ऑफ CKD, एंड उसके वेट लॉस के चलते आपको फिर भी इनफ कैलरीज मिले, यानी अच्छी डाइट रहे, बैलेंस रहे, इसका हिसाब रखना पड़े. सो कैसे रहेगा ये, सो हाउ यू ऑल्टर फंक्शन, देखो द पर्पस क्या होता है इस डाइट का, टू बेसिकली, क्योंकि आपकी किडनी का काम है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स को बैलेंस रखना, ज़्यादा है तो निकाल दो, लेकिन अभी नहीं कर पा रही. सो आपका ये चीज़ का डाइट का फंक्शन है कि ऐसी किडनी ख़राब है या फिर आप इतनी ज़्यादा ख़राब है कि डायलिसिस होता है और आपके शरीर में वो इलेक्ट्रोलाइट्स, वो फ्लूइड पानी या मिनरल्स या पोटेशियम सॉल्ट इतना ज़्यादा डाले ही ना कि दिक्कत हो, राइट. और कैसे होगा उसको बैलेंस, पीपल जो खासकर एग्जांपल लेके देखे, जो डायलिसिस पे लोग होते हैं उनको तो बहुत स्पेशल डाइट चाहिए, बिकॉज उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्कुल लिमिट करने हैं, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. एंड फ्लूइड जो बहुत ज़रूरी होता है, लिमिट करना, पानी को कम पीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपका डायलिसिस हो रहा है तो, राइट. सो रिकमेंडेशंस क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशंस, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पी लेंगे तो पानी अंदर जमा होने लगेगा, आपके लंग्स में जमा होगा, हार्ट पे इफेक्ट डालेगा, हार्ट फेल हो सकता है, लंग्स पानी भर सकते हैं तो सांस फूल सकता है, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन इफ़ यू डोंट फॉलो दीज गाइडलाइंस. तो किडनी की बीमारी वाले पेशेंट्स को तो फॉलो करना ही पड़ता है, उसके लिए आपको अपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस हमेशा करना है कि आपकी स्टेज पे कितना प्रिकॉशन ज़रूरी है. कुछ डाइटिशियंस से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, डाइटिशियंस भी आपको हेल्प करेंगे ऐसी डाइट बनाने में,
यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये ओवरऑल इंटरनेशनल किडनी फाउंडेशंस जो हैं उनकी रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कुछ भी हो, खाना इनफ खाना है ताकि कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ताकि एक हेल्दी वेट मेंटेन हो और आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, कार्ब्स लेने ज़रूरी है। सो इफ़ यू डोंट हैव यू नो प्रॉब्लम ईटिंग कार्ब्स, यानी आपके डायबिटीज़ नहीं है, तो आप कार्ब्स ले सकते हो और आपको एक लो प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। व्हाई दैट इज़ हेल्पफुल वी विल अगेन स्टार्ट इन थोड़ी देर में बताऊंगा। बिकॉज आप प्रोटीन को, जो प्रोटीन ले रहे थे उसको आपने हेल्दी कार्ब से रिप्लेस करना है। मींस व्हाट यू हैव टू ईट, यू हैव टू ईट मोर फ्रूट्स, ग्रेन्स, ब्रेड भी ले सकते हो, होल ब्रेड, वेजिटेबल्स। तो ये क्या करेंगे, आपको एनर्जी देंगे, फाइबर देंगे, मिनरल देंगे, विटामिंस देंगे। इसके अलावा आपने क्या नहीं लेना है, अगर आप, वैसे तो आप शुगर नहीं लेंगे, हनी, ये हनी थोड़ा सा ले सकते हैं, हार्ड कैंडीज, हाई कैलोरी फूड जैसे केक हो गया, पाई हो गया, कुकीज़ हो गया, वो नहीं लेना, वो लिमिट करना। चॉकलेट, बनाना, इवन जो ऐसे डेजर्ट्स हैं वो सब आपको लिमिट करना, बहुत कम लेना है। याद रखिए, फैट ले सकते हैं, इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैलरीज, मगर मेक श्योर कि आपका जो फैट आप ले रहे हैं मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड हो, यानी कि ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सैफलोवर ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, ऐसे के ऑयल्स हों, और दिस कैन प्रोटेक्ट योर हार्ट। आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, एक आध चम्मच घी ले सकते हो, दोज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू। प्रोटीन, जैसे मैंने बताया, यू नीड अ लो प्रोटीन डाइट, दिस विल मेक बी हेल्पफुल बिफोर यू स्टार्ट डायलिसिस, राइट। आपके डायलिसिस के लिए ज़रूरी है, बिकॉज आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रोटीन चाहिए, आपका 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पे आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, आप 0.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लो, आधा ले लो, बट यू नीड प्रोटीन, जीरो नहीं लेना है, फिर भी चाहिए। सो यू नीड टू टॉक विथ योर डॉक्टर एंड सी, कहीं हाई तो नहीं ले रहे, कहीं लो तो नहीं ले रहे, बिकॉज डायलिसिस से पहले आपको लो प्रोटीन डाइट चाहिए। अगर आपकी डायलिसिस शुरू हो जाती है तब आपको हाई प्रोटीन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस के बाद आपकी प्रोटीन भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो इन इफ़ यू स्टार्ट डायलिसिस, तो हाई प्रोटीन डाइट जैसे फिश, पोल्ट्री, एग्स, ये आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, और कई बार ये हर मील में लेना पड़ जाता है, हर बार कोई प्रोटीन वाली चीज़ खाओ। सो व्हाई, बिकॉज डायलिसिस से पहले प्रोटीन के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल नहीं पा रहे, डायलिसिस के टाइम पे वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स सारे बाहर से निकाले जा रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा निकाले जा रहे हैं, और अब आपको प्रोटीन चाहिए, अब आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन भी निकल जाएगा, अल्ब्यूमिन भी निकल जाएगा। सो डायलिसिस में इट्स इंपॉर्टेंट, सो पीपल ऑन डायलिसिस उनको अराउंड 250 से 280 ग्राम्स ऑफ हाई प्रोटीन फूड लेना पड़ता है हर दिन, यानी कि अराउंड 250 ग्राम हाई प्रोटीन फूड, यानी फिश, चिकन, एग, पोल्ट्री, यानी दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, ऐसी चीज़ें डेली लेनी है, दैट इज़ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट। फिर आ गया कैल्शियम, सो इट्स नथिंग टू डू विद द किडनी, को नहीं ख़राब करता, इट्स ऑल टू डू अबाउट किडनी पे लोड ना पड़े। हाई प्रोटीन डाइट का किडनी पे लोड आता है, नाउ किडनी का लोड जब डायलिसिस से रिप्लेस हो गया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कैल्शियम एंड फॉस्फरस, कैल्शियम आपके ब्लड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है अर्ली स्टेज जब होता है किडनी का, सो भी तब भी आपका फॉस्फरस लेवल ज़्यादा आ सकता है, सो फॉस्फरस लेवल ज़्यादा आ सकता है, तो इसके लिए आपको कैल्शियम और फॉस्फरस थोड़ा सा लो रखना पड़ता है। सो आपकी बॉडी क्या करती है, या बॉडी पुल्स द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। अगर आपका कैल्शियम लो हो तो दिस कैन मेक योर बोन्स, अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम लो हो तो आपकी बॉडी कैल्शियम लेगी हड्डियों से और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है कि कैल्शियम बहुत हाई नहीं हो, बहुत लो नहीं हो। आपकी रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम पर डे है या 1500 मिलीग्राम पर डे है, एटलीस्ट 500 तो आप लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड डेयरी फूड्स आपको लिमिट करने होंगे, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉस्फरस होता है, नॉट बिकॉज ऑफ कैल्शियम, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटीन, बिकॉज ऑफ फॉस्फरस, फॉस्फरस ज़्यादा होता है। इसके लिए दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ को आपको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। इसके अलावा बटर, क्रीम या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ों में फॉस्फरस ज़्यादा होता है। आपको विटामिन डी
और कभी कभी कैल्शियम के भी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना है। इसके अलावा हो सकता है अगर आपका फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाए तो आपके डॉक्टर आपको फॉस्फोरस बाइंडर्स दें। और बात आती है पानी की, पानी अलग अलग हिसाब है, आपको पानी हो सकता है लोग का 1 से 1.5 लीटर पियो, अगर आपका सांस फूलने लग गए तो पानी के पानी बंद कुछ दिनों के लिए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो पानी बंद, निकालने की दवाइयाँ शुरू हो सकती है। नमक का आपको कम ही लेना है, हमेशा कम ही लेना है, और आपको ध्यान रखना है कि आप डिहाइड्रेट ना हो जाए। प्यास लग रही है तो डेट इज़ अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। सो नमक पानी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। हॉट डेज में, गर्म में आपको ठंडी जगह रहना है, नहीं तो जो पानी थोड़ा बहुत है वो भी निकल जाएगा शरीर से, इवेपोरेट हो जाएगा। सो लो सोडियम, नो एक्स्ट्रा एडेड सोडियम सब्जी भाजी में जो बनता है वो चलेगा, या फिर अनसॉल्टेड चीज़ें आप खा सकते हैं। आपको लेबल पढ़ना है, डू नॉट यूज सॉल्ट व्हेन यू आर एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना ऊपर से चीज़ों में डालने के लिए। कोई सॉल्ट सब्स्टिट्यूट जैसी चीज़ें कई बार आती है, काला नमक, ये नमक, वो सब में सोडियम है, सब में क्लोराइड है, कई लोगों में पोटेशियम भी है, सो डोंट टेक दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पोटेशियम की बात आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी में नॉर्मल पोटेशियम लेवल रहे, हार्ट के लिए, हार्ट के रिदम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा हो गया तो किडनी और हार्ट दोनों में दिक्कत आ सकती है, और ज़्यादा पोटेशियम कैन एक्चुअली किडनी के फंक्शन को भी डैमेज कर सकता है, हार्ट के रिदम को प्रॉब्लम कर सकता है। ज़्यादा पोटेशियम होता है बहुत कई सारे फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स शुड बी लिमिटेड बट नॉट ज़ीरो। इट शुड नॉट बी बहुत सारे कि प्लेट भर भर के फ्रूट खा रहे हैं, 3-3 किलो, 2-2 किलो, 1-1 किलो, आधा आधा किलो, नहीं। सो देर हैज़ टू बी अ लिमिट। चूज करना है आपको राइट आइटम, क्योंकि कुछ फ्रूट्स है जिसमें ज़्यादा पोटेशियम है, जैसे केला, राइट। सो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से फ्रूट्स में पोटेशियम ज़्यादा है, कौन से में कम है। सो आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या रखना है, जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज जूसेस हो गया, और रेजिन्स हो गए, बनाना हो गया, प्रूनस हो गया, कैंटेलूप्स, हनी ड्यू, ड्रू, कीवीज, इनको लिमिट करना है। और ज़्यादा क्या खा सकते हो आप पीचेस खा सकते हो, पाइनएप्पल, एप्पल, बेरीज, आप वाटरमेलन खा सकते हो, ग्रेप्स खा सकते हो, पियर खा सकते हो, चूज़ करके खा सकते हो। वेजिटेबल्स में क्या खा सकते हो, वेजिटेबल्स में आप ब्रोकली, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, क्यूकम्बर, ग्रीन वाली वेजिटेबल, लेटेस, अनियन, पेपर, ये सब, जुकीनी, येलो स्क्वाश खा सकते हो। क्या नहीं खा सकते, क्या कम खा सकते आप, पोटैटो, टोमेटो, एस्पैरागस, एवोकाडो, पम्पकिन, स्पिनिच, ये सब आपको कम खाना है। पालक, खासकर आलू, टमाटर, पालक और पोटेशियम वाली चीज़ें कम खानी। आयरन के लिए इम्पॉर्टेंट है, किडनी की बीमारी होती है, आयरन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो पीपल जिसको उनको एनीमिया हो जाए, खून की कमी हो जाती है, तो उनको एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत है। कई बार उनको आयरन की इंजेक्शंस लगते हैं, खून के लिए इंजेक्शंस लगते हैं, खून बढ़ाने की दवाइयाँ देनी पड़ती है। सो आयरन, हाई आयरन फूड आप दे सकते हो ऐसे केस में। आयरन फूड, एक्स्ट्रा फूड किस में होता है, चिकन, किडनी बीन्स, राजमा, या फिर जो लोग खाते हैं बीफ, पोर्क, लिवर, लीमा, इन चीज़ों में ज़्यादा होता है। इसके लिए लेकिन अपने डॉक्टर से बात करना, ज़्यादा नहीं खाना उसमें, क्योंकि कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती है, सो यू डू नॉट, क्यू नॉट ईट अ लॉट ऑफ इट। सो आयरन नीड्स टू बी चेक्ड रेगुलरली, आयरन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ध्यान में रखो आयरन, ध्यान में रखो अपना पोटेशियम, उसके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ध्यान में रखो सॉल्ट, वाटर, अपने याद रखना है क्या नाम है, कैल्शियम, पोटैश, फॉस्फरस, दूध में, दूध बहुत ज़्यादा नहीं लेना, और प्रोटीन्स का ध्यान रखो, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डाइट फॉर किडनी। इस वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।